वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर। आज बात करेंगे हेयरिंग एड को क्लीन कैसे करते हैं। अगर आपका हेयरिंग एड बार बार बंद हो रहा है या नहीं चल रहा, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है उसको क्लीनिंग करने का। हो सकता है वारंटी में देने से पहले आप खुद एक बार चेक कर लें कि आपका हेयरिंग एड, हो सकता है वैक्स आ गया हो, कान का मेल वगैरह स्पीकर में आ गया हो, तो उसे क्लीन कर लें। बाकी मेरे पास और तरह के हेयरिंग एड, सब तरह के हेयरिंग एड मिलते हैं, जो होलसेल रेट पे मिलेगा, डिस्काउंट के साथ मिलेगा, मार्केट से सबसे कम रेट में मिलेगा। एक बार आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास 3,000 रुपये से हेयरिंग एड स्टार्ट है विद वारंटी। 3,000 रुपये में आपको BTE हेयरिंग एड बिहाइंड द ईयर जिसे कहते हैं, वो अवेलेबल हो जाएगा 1 साल की वारंटी के साथ। और भी मेरे पास बहुत तरह के हेयरिंग एड होते हैं, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, हैवी डिस्काउंट के साथ। तो आप परचेस करने के लिए एक बार मेरे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हेयरिंग एड की और भी डिटेल्स मिल सके। अगर आप हेयरिंग एड पेशेंट है या आपकी फैमिली में कोई हेयरिंग एड पेशेंट है, इसे RIC मॉडल कहते हैं, रिसीवर इन द कैनाल। ये रिसीवर इन द कैनाल है, ये कान के पीछे लगता है इस तरह का। ब्लू कलर हमेशा लेफ्ट का इंडिकेशन होता है, तो ये हमेशा पीछे जाता है और ये रिसीवर अंदर आता है। ये है इसके लगाने का प्रोसीजर। अब इसको कई बार क्या होता है, वैक्स आ जाता है, तो क्लीन करते हैं। क्लीन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका रबड़, ग्रे कलर का ये रबड़ बॉन्डिंग है। इसके पीछे आपका रिसीवर होता है। आप इसे पलटेंगे तो देखेंगे रिसीवर है, मेटल का रिसीवर है। तार से कभी नहीं पकड़ना आपको, तार से पकड़ेंगे तो रिसीवर टूट जाएगा। पीछे से पकड़ेंगे और इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे रबड़ को इस तरह से। रबड़ को फोल्ड करने के बाद यहाँ एक वाइट वाइट एरो है, यहाँ से पकड़िए और पूरा आगे की नोक से पकड़ के खींचिए, ताकि रबड़ आराम से निकल जाए। क्योंकि रगड़ रबड़ के अंदर एक वाइट पोर्शन है, अगर आप केवल ये रबड़ पकड़ के खींचेंगे तो वाइट पोर्शन अंदर रह जाएगा और रबड़ बाहर आ जाएगी, तो रबड़ ब्रेक हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर इस तरह यहाँ से पकड़ना है और खींचना है। इसके आगे एक वैक्स गार्ड है, एक टूथब्रश लेंगे घर का और इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके साफ करेंगे। चारों तरफ से आपको क्लीन करना है। इससे क्या होगा, आपका हेयरिंग एड हमेशा क्लीन रहेगा। अंदर देखेंगे आप, एक छोटा सा वैक्स गार्ड है वाइट कलर का, ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, इसके अंदर वैक्स नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का इसे ऐसे ऐसे करके क्लीन करना है, चारों तरफ से क्लीन करना है। हेयरिंग एड को यहाँ से भी क्लीन करना है। हर तरफ से ब्रशिंग कीजिए और दोबारा आप रबड़ को सीधा कीजिए। ये आपका रबड़ सीधा हो गया, ये देखिए ये रबड़ सीधी हो गई। और अंदर देखेंगे एक वाइट पोर्शन है, जैसे आप पेन का कैप लगाते हैं टिक से आवाज़ आती है, इसमें भी एक टिक की आवाज़ आएगी जब आप लगाएंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया और ये टिक से आवाज़ आई, तो आपका प्रॉपर लग चुका है। इसको क्लीन करना है। मैं फिर बता देता हूँ, रिसीवर की तार से पकड़ के नहीं खींचना, फोल्ड करेंगे एकदम लास्ट पॉइंट पे पकड़ेंगे। ये इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे पूरा ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे निकालेंगे। रबड़ को नहीं खींचना है आपको, क्योंकि इसके अंदर भी एक प्लास्टिक पोर्शन है, वो आपका बाहर आ जाएगा। रहने दे, तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से क्लीनिंग करनी है। और अगर सर्विस की तरह करना है तो बैटरी डोर को खोल के मशीन को थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, या फिर लैपटॉप सेटअप बॉक्स जहाँ से हीट आती है, जैसे मेरे लैपटॉप का वेंटिलेशन हीट यहाँ पर है, तो यहाँ पर रख दीजिए, या सेटअप बॉक्स के ऊपर रख दीजिए। इस तरह से सेटअप बॉक्स के ऊपर रख दीजिए, तो थोड़ा हीट की वजह से मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा। ये था RIC हेयरिंग एड की क्लीनिंग प्रोसेस। इस तरह से आप क्लीनिंग कर सकते हैं RIC हेयरिंग एड को। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हेयरिंग एड परचेस करना है तो सस्ते रेटों में मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।